नारायण 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 अथाष्टमोध्याय आठवां अध्याय अवधूतोपाख्यान। अजगर से लेकर पिंगला तक नौ गुरुओं की कथा। अवधूत दत्तात्रेय जी कहते हैं, राजन, प्राणियों को जैसे बिना इच्छा के, बिना किसी प्रयत्न के और रोकने की चेष्टा करने पर भी पूर्व कर्मानुसार दुख प्राप्त होते हैं, वैसे ही स्वर्ग में या नरक में कहीं भी रहें, उन्हें इंद्रिय संबंधी सुख भी प्राप्त होते ही हैं। इसलिए सुख और दुख का रहस्य जानने वाले बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि वह इनके लिए इच्छा या किसी प्रकार का प्रयत्न न करे। सुखम मैन्द्रियकम राजन स्वर्गे नरक एव च देहिनाम यद यथा दुःखम तस्मान् नेच्छेत तद् बुधः। बिना मांगे बिना इच्छा किए स्वयं ही अनायास जो कुछ मिल जाए, वह चाहे रूखा सूखा हो, चाहे बहुत मधुर और स्वादिष्ट, अधिक हो या थोड़ा, बुद्धिमान पुरुष अजगर के समान उसे ही खाकर जीवन निर्वाह कर ले और उदासीन रहे। यदि भोजन न मिले तो उसे भी प्रारब्ध भोग समझकर किसी प्रकार की चेष्टा न करे, बहुत दिनों तक भूखा ही पड़ा रहे। उसे चाहिए कि अजगर के समान केवल प्रारब्ध के अनुसार प्राप्त हुए भोजन में ही संतुष्ट रहे। उसके शरीर में मनोबल, इंद्रिय बल और देह बल तीनों हो, तब भी वह निश्चेष्ट ही रहे। निद्रा रहित होने पर भी सोया हुआ सा रहे और कर्मेंद्रियों के होने पर भी उनसे कोई चेष्टा न करे। राजन, मैंने अजगर से यही शिक्षा ग्रहण की है। समुद्र से मैंने यह सीखा है कि साधक को सर्वदा प्रसन्न और गंभीर रहना चाहिए। उसका भाव अथाह, अपार और असीम होना चाहिए तथा किसी भी निमित्त से उसे क्षोभ न होना चाहिए। उसे ठीक वैसे ही रहना चाहिए जैसे ज्वार भाटे और तरंगों से रहित शांत समुद्र। देखो, समुद्र वर्षा ऋतु में नदियों की बाढ़ के कारण बढ़ता नहीं और न ग्रीष्म ऋतु में घटता ही है। वैसे ही भगवत परायण साधक को भी सांसारिक पदार्थों की प्राप्ति से प्रफुल्लित न होना चाहिए और न उनके घटने से उदास ही होना चाहिए। राजन, मैंने पतिंगे से यह शिक्षा ग्रहण की है कि जैसे वह रूप पर मोहित होकर आग में कूद पड़ता है और जल मरता है, ऐसे अपनी इंद्रियों को वश में न रखने वाला पुरुष जब स्त्री को देखता है तो उसके हाव भाव पर लट्टू हो जाता है और घोर अंधकार में नरक में गिरकर अपना सत्यानाश कर लेता है। सचमुच स्त्री देवताओं की वह माया है जिससे जीव भगवान या मोक्ष की प्राप्ति से वंचित रह जाता है। जो मूढ़ कामिनी, कंचन, गहने, कपड़े आदि नाशवान मायिक पदार्थों में फंसा हुआ है और जिसकी संपूर्ण चित्त वृत्ति उनके उपभोग के लिए ही लाया लालायित है, वह अपनी विवेक बुद्धि खोकर पतिंगे के समान नष्ट हो जाता है। राजन, सन्यासी को चाहिए कि गृहस्थों को किसी प्रकार का कष्ट न देकर भौरे की तरह अपना जीवन निर्वाह करे। वह अपने शरीर के लिए उपयोगी रोटी के कुछ टुकड़े कई घरों से मांग ले। स्तोकम स्तोकम ग्रसेद ग्रासम देहो वर्तेत यावता गृहान नहिंसान नातिष्ठेत वृत्तिम माधुकरीम मुनि। और नहीं तो एक ही कमल के गंध में आसक्त हुआ भ्रमर जैसे रात्रि के समय उसमें बंद हो जाने से नष्ट हो जाता है, उसी प्रकार स्वाद वासना से एक ही ग्रस्त का अन्न खाने से
उसके सांसर्गिक मोह में फंस कर यदि भी नष्ट हो जाएगा। जिस प्रकार भौंरा विभिन्न पुष्पों से, चाहे वे छोटे हों या बड़े, उनका सार संग्रह करता है, वैसे ही बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि छोटे बड़े सभी शास्त्रों से उनका सार, उनका रस निचोड़ ले। राजन, मैंने मधुमक्खी से यह शिक्षा ग्रहण की है कि सन्यासी को सायंकाल अथवा दूसरे दिन के लिए भिक्षा का संग्रह न करना चाहिए। उसके पास भिक्षा लेने के लिए कोई पात्र हो तो केवल हाथ, और रखने के लिए कोई बर्तन हो तो पेट, वह कहीं संग्रह न कर बैठे, नहीं तो मधुमक्खियों के समान उसका जीवन ही दूभर हो जाएगा। यह बात खूब समझ लेनी चाहिए कि सन्यासी सवेरे शाम के लिए किसी प्रकार का संग्रह न करे। यदि संग्रह करेगा तो मधुमक्खियों के समान अपने संग्रह के साथ ही जीवन भी गंवा बैठेगा। राजन, मैंने हाथी से यह सीखा कि सन्यासी को कभी पैर से भी काठ की बनी हुई स्त्री का भी स्पर्श न करना चाहिए। यदि वह ऐसा करेगा तो जैसे हथिनी के अंग संग से हाथी बंध जाता है, वैसे वह भी बंध जाएगा। हाथी पकड़ने वाले तिनकों से ढके हुए गड्ढे पर कागज की हथिनी खड़ी कर देते हैं, और उसे देखकर हाथी वहां आता है और गड्ढे में गिरकर फंस जाता है। पदापि युवतिम भिक्षुर न स्पृशेत दारवीम अपि स्पृशन करीव बध्येत करिण्या अंग संगतः। विवेकी पुरुष किसी भी स्त्री को कभी भी भोग्य रूप से स्वीकार न करे, क्योंकि यह उसकी मूर्ति मति मृत्यु है। यदि वह स्वीकार करेगा तो हाथियों से हाथी की तरह अधिक बलवान अन्य पुरुषों के द्वारा मारा जाएगा। मैंने मधु निकालने वाले पुरुष से यह शिक्षा ग्रहण की है कि संसार के लोभी पुरुष बड़ी कठिनाई से धन का संचय तो करते रहते हैं, किंतु वह संचित धन न किसी को दान करते हैं और न स्वयं उसका उपभोग ही करते हैं। बस जैसे मधु निकालने वाला मधुमक्खियों द्वारा संचित रस को निकाल ले जाता है, वैसे ही उनके संचित धन को भी उसकी टोह रखने वाला कोई दूसरा पुरुष ही भोगता है। तुम देखते हो न कि मधुहारी मधुमक्खियों का जोड़ा हुआ मधु उनके खाने से पहले ही साफ कर जाता है, वैसे ही गृहस्थों के बहुत कठिनाई से संचित किए पदार्थों को, जिनसे वे सुख भोग की अभिलाषा रखते हैं, उनसे भी पहले सन्यासी और ब्रह्मचारी भोगते हैं, क्योंकि गृहस्थ तो पहले अतिथि अभ्यागतों को भोजन कराकर ही स्वयं भोजन करेगा। मैंने हरिण से यह सीखा है कि वनवासी सन्यासी को कभी विषय संबंधी गीत नहीं सुनने चाहिए। वह इस बात की शिक्षा उस हरिण से ग्रहण करे जो व्याध के गीत से मोहित होकर बंध जाता है। तुम्हें इस बात का पता है कि हरिणी के गर्भ से पैदा हुए ऋषि श्रृंग मुनि स्त्रियों का विषय संबंधी गाना बजाना नाचना आदि देख सुनकर उनके वश में हो गए थे और उनके हाथ की कठपुतली बन गए थे। अब मैं तुम्हें मछली की सीख सुनाता हूँ। जैसे मछली कांटे में लगे हुए मांस के टुकड़े के लोभ से अपने प्राण गंवा देती है, वैसे ही स्वाद का लोभी दुर्बुद्धि मनुष्य भी मन को मथ कर व्याकुल कर देने वाली अपनी जिह्वा के वश में हो जाता है और मारा जाता है। विवेकी पुरुष भोजन बंद करके
दूसरी इंद्रियों पर तो बहुत शीघ्र विजय प्राप्त कर लेते हैं, परंतु इससे उनकी रसना इंद्रिय वश में नहीं होती। वह तो भोजन बंद कर देने से और भी प्रबल हो जाती है। मनुष्य और सब इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर लेने पर भी तब तक जितेंद्रिय नहीं हो सकता जब तक रसनेन्द्रिय को अपनी वश में नहीं कर लेता, और यदि रसनेन्द्रिय को वश में कर लिया तब तो मानो सभी इंद्रियां वश में हो गई। तावत् जितेन्द्रियो न स्याद् विजितान्येन्द्रिय पुमान् न जयेत् रसनम् यावत् जितम् सर्वम् जिते रसे। नृपनंदन, प्राचीन काल की बात है, विदेह नगरी मिथिला में एक वैश्या रहती थी, उसका नाम था पिंगला। मैंने उससे जो कुछ शिक्षा ग्रहण की वह मैं तुम्हें सुनाता हूँ, सावधान होकर सुनो। वह स्वेच्छाचारिणी तो थी ही, रूपवती भी थी। एक दिन रात्रि के समय किसी पुरुष को अपने रमण स्थान में लाने के लिए खूब ठन बन कर उत्तम वस्त्र आभूषणों से सज कर बहुत देर तक अपने घर के बाहरी दरवाजे पर खड़ी रही। नर रत्न उसे पुरुष की नहीं धन की कामना थी, और उसके मन में यह कामना इतनी दृढ़ मूल हो गई थी कि वह किसी भी पुरुष को उधर से आते जाते देख कर यही सोचती कि यह कोई धनी है और मुझे धन देकर उपभोग करने के लिए ही आ रहा है। जब आने जाने वाले आगे बढ़ जाते तब फिर वह संकेत जीविनी वेश्या यही सोचती कि अवश्य ही अब की बार कोई ऐसा धनी मेरे पास आवेगा जो मुझे बहुत सा धन देगा। उसके चित्त की यह दुराशा बढ़ती ही जाती थी। वह दरवाजे पर बहुत देर टंगी रही, उसकी नींद भी जाती रही, वह कभी बाहर आती तो कभी भीतर जाती। इस प्रकार आधी रात हो गई। राजन, सचमुच आशा और सो भी धन की बहुत बुरी है। धन की बाट जोते जोते उसका मुंह सूख गया, चित्त व्याकुल हो गया। अब उसे इस वृत्ति से बड़ा वैराग्य हुआ, उसमें दुख बुद्धि हो गई। इसमें संदेह नहीं कि इस वैराग्य का कारण चिंता ही थी, परंतु ऐसा वैराग्य भी है तो सुख का ही हेतु। जब पिंगला के चित्त में इस प्रकार वैराग्य की भावना जागृत हुई तब उसने एक गीत गाया, वह मैं तुम्हें सुनाता हूँ। राजन, मनुष्य आशा की फांसी पर लटक रहा है, इसको तलवार की तरह काटने वाली यदि कोई वस्तु है तो वह केवल वैराग्य है। प्रिय राजन, जिसे वैराग्य नहीं हुआ है, जो इन बखेड़ों से उबा नहीं है, वह शरीर और इसके बंधन से उसी प्रकार मुक्त नहीं होना चाहता जैसे अज्ञानी पुरुष ममता छोड़ने की इच्छा भी नहीं करता। पिंगला ने यह गीत गाया था, हाय हाय मैं इंद्रियों के अधीन हो गई, भला मेरे मुंह का विस्तार तो देखो, मैं इन दुष्ट पुरुषों से जिनका कोई अस्तित्व ही नहीं है विषय सुख की लालसा करती हूँ। कितने दुख की बात है, मैं सचमुच मूर्ख हूँ। देखो तो सही मेरे निकट से निकट हृदय में ही मेरे सच्चे स्वामी भगवान विराजमान हैं। वे वास्तविक प्रेम सुख और परमार्थ का सच्चा धन भी देने वाले हैं। जगत के पुरुष अनित्य हैं और वे नित्य हैं। हाय हाय मैंने उनको तो छोड़ दिया और उन तुच्छ मनुष्यों का सेवन किया जो मेरी एक भी कामना पूरी नहीं कर सकते। उल्टे दुख भय आदि व्याधि शोक मोह ही देते हैं। यह मेरी मूर्खता की हद है कि मैं उनका सेवन करती हूँ। बड़े खेद की बात है, मैंने अत्यंत निंदनीय आजीविका
वैश्यावृत्ति का आश्रय लिया और व्यर्थ में अपने शरीर और मन को क्लेश दिया, पीड़ा पहुंचाई। मेरा यह शरीर बिक गया है, लंपट लोभी और निंदनीय मनुष्यों ने इसे खरीद लिया है। और मैं इतनी मूर्ख हूँ कि इसी शरीर से धन और रति सुख चाहती हूँ, मुझे धिक्कार है। यह शरीर एक घर है, इसमें हड्डियों के टेढ़े तिरछे बांस और खंभे लगे हुए हैं। चामरों में और नाखूनों से यह छाया गया है। इसमें 9 दरवाजे हैं जिनसे मल निकलते ही रहते हैं। इसमें संचित संपत्ति के नाम पर केवल मले और मूत्र ही हैं। मेरे अतिरिक्त ऐसी कौन स्त्री है जो इस स्थूल शरीर को अपना प्रिय समझ कर सेवन करेगी। यों तो यह विदेहों की जीवन मुक्तों की नगरी है, परंतु इसमें मैं ही सबसे मूर्ख और दुष्ट हूँ, क्योंकि अकेली मैं ही तो आत्मदानी अविनाशी एवं परम प्रियतम परमात्मा को छोड़कर दूसरे पुरुष की अभिलाषा करती हूँ। मेरे हृदय में विराजमान प्रभु समस्त प्राणियों के हितैषी सुहृद प्रियतम स्वामी और आत्मा हैं। अब मैं अपने आप को देकर इन्हें खरीद लूंगी और इनके साथ वैसे ही विहार करूंगी जैसे लक्ष्मी जी करती हैं। जय हो। मेरे मूर्ख चित्त, तू बतला तो सही, जगत के विषय भोगों ने और उनको देने वाले पुरुषों ने तुझे कितना सुख दिया है। अरे वे तो स्वयं ही पैदा होते और मरते रहते हैं। मैं केवल अपनी बात नहीं कहती, केवल मनुष्यों की भी नहीं, क्या देवताओं ने भी भोगों के द्वारा अपनी पत्नियों को संतुष्ट किया है? वे बेचारे तो स्वयं काल के गाल में पड़े पड़े कराह रहे हैं। अवश्य ही मेरे किसी शुभ कर्म से विष्णु भगवान मुझ पर प्रसन्न है, तभी तो दुराशा से मुझे इस प्रकार वैराग्य हुआ है। अवश्य ही मेरा यह वैराग्य सुख देने वाला होगा। भक्त वत्सल भगवान की जय। यदि मैं मंदभागिनी होती तो मुझे ऐसे दुख ही न उठाने पड़ते जिनसे वैराग्य होता है। मनुष्य वैराग्य के द्वारा ही घर आदि के सब बंधनों को काट कर शांति लाभ करता है। अब मैं भगवान का यह उपकार आदर पूर्वक सिर झुकाकर स्वीकार करती हूँ और विषय भोगों की दुराशा छोड़कर उन्हीं जगदीश्वर की शरण ग्रहण करती हूँ। अब मुझे प्रारब्ध के अनुसार जो कुछ मिल जाएगा उसी से निर्वाह कर लूंगी और बड़े संतोष तथा श्रद्धा के साथ रहूंगी। मैं अब किसी दूसरे पुरुष की ओर न ताक कर अपने हृदयेश्वर आत्म स्वरूप प्रभु के साथ ही विहार करूंगी। यह जीव संसार के कुएं में गिरा हुआ है, विषयों ने इसे अंधा बना दिया है, काल रूपी अजगर ने इसे अपने मुंह में दबा रखा है। अब भगवान को छोड़कर इसकी रक्षा करने में दूसरा कौन समर्थ है? जिस समय जीव समस्त विषयों से विरक्त हो जाता है, उस समय वह स्वयं ही अपनी रक्षा कर लेता है। इसलिए बड़ी सावधानी के साथ यह देखते रहना चाहिए कि सारा जगत काल रूपी अजगर से ग्रस्त है। सच्चिदानंद भगवान की। अवधूत दत्तात्रेय जी कहते हैं, राजन
पिंगला वेश्या ने ऐसा निश्चय करके अपने प्रिय धनियों की दुराशा, उनसे मिलने की लालसा का परित्याग कर दिया और शांत भाव से जाकर वह अपनी सेज पर सो रही। सचमुच आशा ही सबसे बड़ा दुख है और निराशा ही सबसे बड़ा सुख है। आशा ही परमम दुखम और नैराश्यम परमम सुखम, क्योंकि पिंगला ने जब पुरुष की आशा त्याग दी तभी वह सुख से सो सकी। यथा संचित्य कांता शाम सुखम सुश्वाप पिंगला। नारायण नारायण।